नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन 2030 चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 50,000 रुपीस का पोर्टफोलियो, ठीक है। क्या बेस्ट तरीके से आज की डेट में 50,000 रुपए हम लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट हम लोग मैक्सिमम उसमें से वेल्थ क्रिएट कर पाए, मैक्सिमाइज कंपाउंडिंग हमारा उसमें से पैसा बन सके। तो आज इसी प्रकार की ये वीडियो है जिसमें हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाएंगे 50,000 रुपए का, और ऐसे इस प्रकार से उसको इन्वेस्ट करेंगे डाइवर्सिफाइड करके कि सेक्टर भी कवर हो अलग अलग। हमारा जो मेन एम है डाइवर्सिफाइड हो, ऐसा ना हो एक ही सेक्टर के स्टॉक हो जाए, और फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को देखते हुए उस प्रकार के स्टॉक होने चाहिए एंड मैक्सिमम कंपाउंडिंग हम लोग अचीव कर सके, ठीक है। तो ये हमारा मेन एम है इस वीडियो का। पांच तरीके से, पांच स्टॉक हम लोग इसमें लिए हैं। पहला स्टॉक एक सेफ मार्केट को बैलेंस देते हुए लार्ज कैप स्टॉक जिसमें ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है, वो रहेगा एक स्टॉक। दो मिड कैप टाइप के स्टॉक रहेंगे, मिड कैप ऑब्लिक थोड़े से अच्छे स्मॉल कैप जिसमें बहुत गुंजाइश है फ्यूचर स्टॉक की, और इसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 15,000। इन दो स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 10K ईच, तो ये हो जाएंगे आपके 20K रुपीस। बचे हमारे पास कितने, अभी 15,000। देन टू स्टॉक हम लोग माइक्रो साइज के, या कह लीजिए आप स्मॉल कैप साइज के, इस थोड़े से और छोटे जिनमें बहुत गुंजाइश है आगे अच्छा रिटर्न देने की, ठीक है, बहुत पैसा बनाने की। तो ये हमारी थर्ड इन्वेस्टमेंट होगी। इनमें हम 7.5K इंटू टू 15,000 रुपए इसमें लगाएंगे। तो ये पांच स्टॉक में इस प्रकार से हमने अपना पैसा डिवाइड किया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आइए अपना पोर्टफोलियो बनाना चालू करते हैं और स्टॉक देखते हैं कौन कौन से स्टॉक हमने लिए। तो जो लार्ज कैप कंपनी मैंने उठाई है वो उठाई है लार्सन एंड टुब्रो। देखिए, अपने देश में आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डेटा है ना, डेटा कह रहा हूं, जो ढांचा है सॉरी, वो भैया इम्प्रूव होना बहुत बाकी। एंड आप देखेंगे एलएनटी कंपनी जिसमें बिड डालती है, लार्सन एंड टुब्रो जिसमें बिड डालती है, यही जीतते। अहमदाबाद वाला जो मोटेरा वाला स्टेडियम हो वो इन्होंने बनाया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो वो इन्होंने बनाया है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के जितनी भी बिड हैं काफी ये लोग बना रहे हैं, और इस कंपनी के बिना इंडिया ग्रो नहीं हो सकता। और रही बात, तो ये स्टॉक अभी चलना बाकी है। एशियन पेंट जैसे 3,000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, अपोलो हॉस्पिटल 4,000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, TCS जैसे 3,000 प्लस पे, उस लेवल का ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक अभी चलना बाकी है एंड आगे जाके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो बिल्कुल सेफ बैट, बढ़िया बैट। 3,000 करोड़ का लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 30.5 की वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो ये हमारा पहला स्टॉक है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग भी देगा। 15,000 रुपए हमने इसमें लगा दी, ठीक है। अब हम दूसरे जो दो स्टॉक है जिनमें 10K पैसे लगाना है उनको देखते हैं एक बार। तो ये है इंडिको रेमेडीज। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक, फार्मास्यूटिकल स्टॉक है और फार्मा का जमाना रहेगा भाई, और इसमें काफी ग्रोथ दिखती है मुझे और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे। तो मात्र 3,600 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, 393 का करंट प्राइस है, बेहतरीन आरओई है, बेहतरीन आरओसी है। इसमें भी आप 10,000 रुपए लगा के चल सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी 25K। अगला जो 10,000 लगाना है वो स्टॉक है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल। अलग प्रकार का कंपनी, अलग, अब तक सेक्टर डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। तो अब हमने क्या पकड़ लिया, अब हमने पकड़ लिया रिन्यूएबल एनर्जी। भैया थीम है अगले 10 साल की रिन्यूएबल एनर्जी, जो जीरो नेट एमिशन का जो टारगेट है कि भैया हमारा कुछ कार्बन जो हम लोग क्लोरोफ्लोरो जो निकालते हैं पूरा का पूरा कार्बन, हमारी जो इकोनॉमी है वो कार्बन इकोनॉमी है दोस्तों, ठीक है। तो जब तक हम उस पर शिफ्ट नहीं होंगे सोलर क्लास, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन चीजों पर, अब भैया इसकी है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, जितने भी सोलर सेल बन रहे हैं इंडिया के अंदर उसके ऊपर लगने वाला जो ग्लास है, जो उस पर ऊपर लगने वाला जो ग्लास है 60-70% यही कंपनी बनाती है। तो आप देख लीजिए डायरेक्ट बेनिफिट कितना होगा, तभी आपको वो चीज यहां दिख रही होगी। 27.2% का आरओसी, 23.7% का आरओई। थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा है बट इस प्रकार के बिजनेस महंगे ही रहेंगे, ठीक है।
तो इसमें भी आप 10,000 इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगला अगला पकड़ लिया है भैया मैंने आईटी सेक्टर का स्टॉक। आईटी काफी ठंडा हो चुका है, काफी ऊपर से गिर चुका है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये स्टॉक का 52 वीक हाई देखेंगे आप 191, फिलहाल 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आईटी के हिसाब से ठीक है, आरओसी सेक्टर को डाइवर्सिफाइड, आरओ 18.3 बेहतरीन बेट, इसमें 7.5 के ठीक है। अब लास्ट हमारे जो 7,500 रुपए बचे हैं वो है ये, अब ये है भैया हॉस्पिटल सेक्टर, अगेन डाइवर्सिफाइड कर दिया गया पोर्टफोलियो को 7.5 के ठीक है, बहुत बढ़िया है। हेल्थ केयर सेक्टर में भैया हॉस्पिटल नहीं पिटने वाले, मात्र 63.8 का स्टॉक है, 40.8 की पी है, बट आरओसी आप देखिए 31.8%, 31.6%, एक्सीलेंट ठीक है। तो ये हो गए हमारे 50,000 रुपए, तो ये मुझे कंपाउंडिंग करता हुआ पोर्टफोलियो दिख रहा है। ये 50,000 आपको बहुत वेल्थ बना के दे सकते हैं, आप इनको होल्ड करके रखें अगर स्टॉक को, कहां तक, एटलीस्ट 2025 तक, 2030 तक रखें, तो वारे न्यारे हो सकता है यही स्टॉक आपका 300 के आसपास ट्रेड कर रहा हो सकता है इंडिगो रेमेडीज आपका 1000 प्लस पे ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि सबके अंदर ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है एंड आगे आने वाला टाइम इसी का है। अभी अभी इस कंपनी ने एक 300 कितने कुछ बेड का एक हॉस्पिटल और बनाया है और बिल्डअप किया है, तो बहुत बेहतरीन कर रही है, कर रहा है ये स्टॉक भी। तो ये दोस्तों इन्वेस्ट आपके लिए एडवाइस है, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन 2030 का पार्ट बनना चाहते हैं, प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जस्ट 15,000 रुपए में 2030 तक, दिसंबर तक आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग दी जाएगी। वैल्यू बाइंग किस महीने में कौन सी करनी है, स्पेशल मेरा कुछ रिसर्च है वो आपको बाय करना है, वो मैं वहां पे बताता हूँ। टेलीग्राम पे लिंक है उसका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आप चाहते हैं मैं और ऐसी वीडियो लेके आता रहूं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।